जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला अभय सिंह चौटाला का साथ, दिया बड़ा बयान। सेना भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा में विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस योजना को न तो देश हित में, न ही नौजवानों के हित में बताया और सरकार से अनुरोध किया है कि इस पॉलिसी पर पुनः विचार के साथ ही इसे तर्कसंगत बनाते हुए 4 साल बाद सेना से निकले जवानों को स्थायी जॉब देने की नीति लेकर आए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के नौजवानों में मायूसी है। इस योजना को तैयार करते समय इसके दूरगामी परिणामों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से इस पॉलिसी का असर बेहद बुरा होगा, जो देश की सुरक्षा के हित में भी नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार वेतन पेंशन का पैसा बचाने और सैन्य बल की अक्षमता को घटाकर आधा करने की नीयत से देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। वहीं नरलो के प्रधान महासचिव एवं एलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सदियों से चली आ रही सेना की मजबूती और सुदृढ़ कार्यप्रणाली को खत्म करने वाली योजना है। इस योजना के तहत युवाओं को ठेके पर नियुक्त किया जाएगा और फिर 4 साल बाद उन्हें हटा दिया जाएगा, जो देश के युवाओं के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट।